ये जो है कि अभी वापसी जा रहा हूँ, तो मैं दूसरी चैनल के लिए एक व्लॉग बना दे रहा हूँ यहाँ फार्मर प्रोटेस्ट का। यहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे रोड के ऊपर जो है कि ट्रैक्टर और ट्रली लगा करके आप देख रहे हैं पूरा फार्मर का, जो भी किसान है, जो आंदोलन में है, जो मांगे उनका है वो पूरी नहीं हो रहा है। साथ ही साथ ये अपना मांग को लेकर के दिल्ली जाने की तैयारी में यहाँ जो है कि ट्रैक्टर लेकर के पूरा अपना तैयारी करके निकले थे, और जो है कि बॉर्डर सील कर दिया गया है, इनको जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे किस तरह से जो प्रोटेस्ट वाले हैं, जो प्रोटेस्ट करने कर रहे हैं, वो जो है किस तरह से यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, पानी, खाना, रहना जो है कि आप देख रहे हैं, ट्रॉली के पीछे किस तरह से जो है कि बेड वगैरह, कंबल वगैरह जो है कि रख करके ऐसे ट्रैक्टर की ट्रॉली है, इसमें टेंट जैसे बना करके तिरपाल से, और देख रहे हैं सरदार जी लेटे भी हैं, और इसी तरह से लगभग लगभग सभी ट्रैक्टर में और ट्रॉली में आप देख रहे हैं मेरे पीछे सब जो है कि है। जी बोलेंगे कुछ? सत श्री अकाल सर, कहाँ से आप? मैं दिल्ली से। ठीक है सर, दिल्ली से आप किसानों के लिए आए? हाँ जी, ठीक है सर। हम कॉपरेज के लिए आए थे, अभी वापस जा रहे हैं, तो जाते समय एक व्लॉग भी बना लेते हैं ताकि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं वो किस हालत में है, कैसे उनका खाना पीना, कैसे उनका रहन यहाँ पे हाईवे के ऊपर जो है कि, ये हम जो है कि अपना फ्रेंड्स लोग को शेयर कर। खाना पीना सर महाराज की कृपा वा, कोई चक्कर नहीं, खान पीन का अपन इतने सब को खाई जाता, कद कौन अपने भी सारे बाहर बैठे आ, सारे अपने ते कृपा करते, कोई चक्कर नहीं, खाने कोई तंगी नहीं, सौंता भी रहा, ट्रालियां सुते बापू नहीं कोई, मैं ना चक्कर ही नहीं कोई, इतने ऐ बैठे आओ भीर नजारे उधर खाया वधिया नजारे लैंदे आओ, चलो बड़ा कर लियो ऐ लागू करके दो किसानां नूं, सारे देश नूं खाना खवाउणे आ, ठीक आ, सब को अहीं खवाउणे आ, 40-50% अहीं सारा खवाउणे आ, जे अहीं उत्थे कंध करती ना कंध कर दिए सानूं नहीं कुछ, अहीं रोटी खाई जाणी आ, इह कणकां फसलां साडीआं झोना वी साडा उहदा वा, सब को सब्जी बीज सकते, फ्रूट भी इतने बीज सकते, सानू कोई चक्कर नहीं, इन्हों सब को इन्हों को बानिया डाने का सब को इतने बनया, आ भी उन्हें खरीदा प्लाट आ जरा इतने लागे आक सुनिया आंधे भी उन्होंने वा, उन्हें ट्रक मुड़े किधरों जाएंगे, तो मेरे भरा तुम सोचो एम एस बारे आने लागू कर दो, किसानों का कर्जा माफ कर दो, ठीक है, डांडिया बन भी कर ही सकते, साडा भी कर दो, ठीक है ना, बस ये अगर बेनती है, ज्यादा कौन नहीं है। भैया का कहना है कि इस प्रोटेस्ट में आप सभी भी साथ दे, एमएसपी को जो है कि बंद करे, इनका कर्जा माफ करे, इनकी कुछ मांगे हैं, इनकी वजह से जो है कि ये किसान है, अन्नदाता है, देश भर के कोने कोने में जो है कि इनके द्वारा ही चावल, गेहूं, आटा, दाल जो भी है, किसान है, चाहे वो कहीं का किसान हो, यूपी का हो, बिहार का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, किसान है, और इनकी मांगे कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही है, और इनको साथ देना भी चाहिए, क्योंकि हम ग्राउंड पे आए हैं तो इनके फीलिंग को हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं।